नमस्कार, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए मिर्ची का अचार लेके आए हैं, जो बनारसी मिर्च जिनको बोलते हैं, लाल मिर्चों का अचार भर के कैसे बनेगा, आइए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने ये लाल मिर्चें लिए हैं, इनको मैंने खाली कर लिया है, इनके जो सीड्स होते हैं अंदर वो सारे निकाल लिए हैं। और साथ ही साथ मैंने ये कलौंजी ली है, हल्दी ली है, इसमें लाल मिर्च जाएगी, आमचूर पाउडर जाएगा और सॉल्ट, और साथ में ये गार्लिक है और सूखा धनिया, धनिया सीड्स जो होते हैं वो है, और सौंफ है। इन दोनों को, सौंफ को और धनिया को, मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो अभी हम लोग इसका मसाला तैयार करते हैं। हमने क्या करना है, ये सारी चीज़ों को अंदर से जो सीड्स निकले हैं वो हमने सारे डाल देने हैं। साथ में ये धनिया, सौंफ और ये गार्लिक, इन सबको हमने एक अच्छी पेस्ट बना लेनी है, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। ये हमारा अच्छे से पेस्ट बन गया है, अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अभी हम लोग इसमें ये कलौंजी ऐड करेंगे और हल्दी, रेड चिल्ली की ऐसे तो हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सारे चिल्ली के सीड्स अंदर डाले हैं, लेकिन ये मैंने कश्मीरी रेड चिल्ली ली है होली कलर के लिए। और साथ ही साथ इसमें ये आमचूर पाउडर जाएगा खटाई के लिए। और सॉल्ट, और इसमें हम थोड़ा सा ये मस्टर्ड ऑयल डालेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। ये मसाला हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम लोग इसको, ये जो हमारी मिर्ची हमने खाली करी थी उनके अंदर भरेंगे। एक छोटा चम्मच लेंगे इसके साथ ही ऊपर तक, ऐसे इसको पीछे से इसको ऐसे पुश कर देंगे ताकि पूरा अंदर तक ये मिर्ची के अंदर पूरा मसाला अच्छे से फिल हो जाए। और साथ ही साथ हम लोग ये एक बाउल लेंगे जिसमें हम लोग ऐसे ये भर भर के मिर्ची अपने लगाते जाएंगे। जैसे हमने अपनी सारी मिर्चें भर ली हैं, अभी हम लोग इसके ऊपर हम तेल डाल देंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल डाल के इसको हम लोग धूप में रखेंगे बनने में। इसको अच्छे से मैच्योर होने में कम एक महीना लगता है, तो इसको आप बना के धूप में रखे, थोड़ा तेल में डिप कर दी। जब अचार तैयार हो जाएगा तो हम लोग इसको तेल से भर देंगे। अभी हम लोग इसको ऐसे ही इस स्टेज पे हम लोग इसको धूप में रखेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि तैयार हो गया ये अचार कैसा लगता है। हमारा अचार कितना बढ़िया तैयार हो गया है। आप इसको अच्छे से धूप दिखाइए, और इसको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आप इसको सूखे हाथों से निकालिए जब भी निकालें, और चम्मच भी सूखा लें ताकि हमारा अचार ख़राब ना हो। इसमें मैंने कोई प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई कुछ नहीं, खाली ये ऑयल और नमक का आपको ध्यान रखना है कि अच्छी क्वांटिटी में अगर नमक है, तेल है, तो ये हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो देख सकते हैं हमारा अचार कितना अच्छा सा बन के रेडी हो गया है, और ये बहुत ही यम्मी अचार बना है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई हो, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।